स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल सीबी कल आईटीआई गुरु में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है वो सुरक्षा संबंधी चिन्ह दिए रहते हैं, वहाँ से कुछ एग्जाम में सवाल पूछते हैं। दोस्तों हम लोग टारगेट जो कर रहे हैं वो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में। इसके बाद दोस्तों जो जो है आपका यूपी मेट्रो का जो वैकेंसी है उसके लिए, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो दोस्तों ये यूपी जो मेट्रो का वो वैकेंसी आई है उसके लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईटीआई संबंधित जो आईटीआई संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए जो हम लोग यहाँ पे जो है आईटी संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा संबंधी दोस्तों कुछ सवाल पूछते हैं, वहाँ से हम कुछ उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे टच करने वाले फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करने वाले हम लोग, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं वो क्या सिंबल दर्शाते हैं, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं उसका क्या क्या उद्देश्य होता है, क्या मकसद होता है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका आकृति होता है वृत्ताकार होता है, जो उसकी आकृति होती है फ्रेंड्स वो होती है वृत्ताकार होती है, देख सकते हैं वृत्ताकार होती है। और इसके बाद का जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वह श्वेत श्वेत पृष्ठभूमि पर श्वेत पृष्ठभूमि पर और काला चिन्ह लिए होता है। तो हम कह सकते हैं तो यहाँ पे जो है इसका जो पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, इसके जो पीछे बैकग्राउंड है, यहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड है ये श्वेत मतलब सफ़ेद पृष्ठभूमि, जो पीछे का बैकग्राउंड दोस्तों सफ़ेद होता है और ऊपर जो कलर होता है इसके काला चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें जो कलर होते हैं सफ़ेद और काले का जो है मिश्रण होता है, और इससे जो है सफ़ेद और काले के मिश्रण से इसमें रंग को प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो दोस्तों उद्देश्य होता है, इसमें जो उद्देश्य होता है ऐसा ना करने को दर्शाता है, मतलब कि अगर ऐसी आकृति कहीं बनी हुई है उसका मतलब वो है कि वो ना करने के लिए दर्शाता है, कि आपको मना कर रहा है करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कि यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं, ये उदाहरण एक एग्जांपल दिखाया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एग्जांपल दिखा कि धूम्रपान निषेध, धूम्रपान जो है वो निषेध है। तो यहाँ पे जो आपके सिंबल में देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल जो बना हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दर्शाया गया है धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान को मना किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे सवाल पूछते हैं। आपके सामने बहुत सारे और चित्र दे सकते हैं अपने, अगर आपके पास कोई बुक है कोई नोट्स है तो वहाँ पे दे सो इसका जो है सिंबल दे सकते हैं। मैं आपको एक सिंबल लेकर यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे दे सकते हैं जो अनिवार्य कुछ चिन्ह होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दे सकते हैं कुछ अनिवार्य चिन्ह होते हैं, उस अनिवार्य साइन के जो अनिवार्य चिन्ह होते हैं उनकी आकृति भी अगर बात करें दोस्तों आकृति की तो वृत्ताकार होते हैं, और रंग की दोस्तों अगर कलर की बात करें तो यहाँ पे जो नीली पृष्ठभूमि पर मतलब ये कि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड मतलब कि जो सामने का बैकग्राउंड होता है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बैकग्राउंड में यहाँ पे नीले कलर का होता है, और श्वेत चिन्ह मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये सफेद चिन्ह यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना चाहिए दर्शाता है, यानी ऐसा अगर सिंबल आपको कहीं मिले तो क्या करना चाहिए ऐसा दर्शाता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है हस्तरक्षक पहने, मतलब कि यहाँ पे जो ग्लव्स है उसको पहनने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, कि यहाँ पे ऐसा सिंबल दिया गया कि आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं वर्कशॉप में अगर काम कर रहे हैं तो आपको जो है हस्तरक्षक मतलब ग्लव्स वगैरह जो है पहनने हैं। दोस्तों इस तरह से अनिवार्य चिन्ह ऐसे दिए रहते हैं, आपको चिन्ह देख कर वहाँ से पहचान ही कौन सा चिन्ह दिया रहता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं चेतावनी जो है चिन्ह कुछ वार्निंग साइन दी रहती है। इसकी आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है, इसकी जो आकृति होती है फ्रेंड्स वो त्रिभुजाकार होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार आकृति में। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो ये दोस्तों जिसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है ये काले बॉर्डर और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि पर बना होता है, यानी इसकी जो आकृति होती है इसमें काले बॉर्डर होते हैं। आप देख सकते हैं जो ये आकृति आपको दिख रही है ये काला है, लेकिन इसका जो एरिया जो पीछे का एक बैकग्राउंड यहाँ पे रहेगा ये वाला एरिया, वहाँ पे जो है इस वाले एरिया में पीले कलर का जो है दोस्तों यहाँ पे रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो बात हो गई कि आपका चेतावनी जो चिन्ह दिए रहते हैं यहाँ से कुछ संबंधित पॉइंट हो गए। इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसको, कि ये जो सिंबल दर्शाता क्या है, ये संकट अथवा भय या सावधान के लिए दोस्तों ये सिंबल दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सावधान विद्युत आघात का भय दिखाया गया है, मतलब यहाँ पर डेंजर जोन है जो कि 415 वाट का वोल्ट यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट को दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे डेंजर जोन है जो कि विद्युत आघात को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं जो सूचना चिन्ह होते हैं कुछ प्रकार से बने होते हैं। सूचना चिन्ह में दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन साइन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आकृति है जो वर्गाकार आकृति दी रहती है, इसमें वर्गाकार और आयताकार दोनों हो सकता है। इसका जो रंग होता है फ्रेंड्स, इसमें रंग की अगर बात करें दोस्तों हरे रंग का है, जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह लिए बनता है, मतलब कि पीछे जो बैकग्राउंड होता है दोस्तों वो आपका हरे रंग का होता है,
जो पीछे पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद होता है, बाकी सामने जो दोस्तों होता है वो आपका सामने का जो होता है वो आपका सफ़ेद कलर का होता है। तो पीछे का बैकग्राउंड हरा कलर होता है और सामने का सफ़ेद होता है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं कि अर्थ इसका जो होता है ये सुरक्षा सामग्री सूचना को दर्शाता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ सिंबल थे जिसमें आप समझ सकते हैं। कुछ निषेधात्मक और चिन्ह यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसे सिंबल आपके किताब में दिए हैं उनको आप अनिवार्य चिन्ह दिए गए हैं, इनको आप देख लेंगे एक बार, ताकि जो है आपसे अगर एग्जाम में कोई 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 क्वेश्चन पूछता है तो आखिर आपसे आसानी से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट थे जो कि ऐसे आपके साइन दिए गए हैं, उन साइनों को दोस्तों आपको पढ़ना है, समझना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।